सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाए मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। इनको पॉट ऑफ गोल्ड दिख गए तो ये लोग इनडायरेक्टली चला रहे हैं, ये लोग बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लिए ये प्रपोजल पे प्रपोजल पास कर रहे हैं। और आपको भी पता है बॉम्बे में क्या चल रहा है, आपको पता है नवी मुंबई में ये वही अगर टेंडेंसी आ रही होगी तो ये तो पूरा का पूरा कट रिपब्लिक बन जाएगा। मतलब हर प्रोजेक्ट के ऊपर कट है और ये जनता चला रही है। दिस इज मॉरली एथिकली इज सो रॉन्ग। मतलब आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लाइए, प्रस्ताव लाइए, प्रस्ताव पास कीजिए जो प्रोसीजर होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि ये फ्लाईओवर बना क्यों, ये तो बना के निकल जाएंगे। जिला में कोविड मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, ऐसे में सांसद राजन विचारे का ये फर्ज बनता है कि इस कठिन स्थिति में केंद्र सरकार से अपने मतदार संघ में आने वाले पालिकाओं के लिए मदद लेकर उन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास करे, मगर इसमें वे पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। अगर बात करें नवी मुंबई महानगर पालिका की तो स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि रोजाना 1500 के करीब नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिन्हें आज इलाज के लिए बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही दूसरी ओर नवी मुंबई महानगर पालिका को पर्याप्त वैक्सीन दिलाने में भी वे पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं। पिछले साल जब नवी मुंबई में कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, वही बार बार आरोग्य सुविधाओं की कमी के खिलाफ आवाज भी उठाई जा रही थी, मगर कभी भी उन्होंने इन सब महत्वपूर्ण बातों को तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने पिछले एक साल से एक बार भी इस बात पर चिंता नहीं जताई कि कोरोना के पहले या फिर दूसरे लहर के लिए शहर में क्या तैयारी की है। वे नवी मुंबई में कोविड की भयंकर स्थिति में भी केवल कोविड केयर सेंटर के रिबन कटिंग कार्यक्रम में ही नजर आए। ये वही कोविड केयर सेंटर है जिस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। स्वयं विधायक आशीष शेलार ने भी हाल ही में संपन्न हुए अर्थसंकल्पीय अधिवेशन में नवी मुंबई में कोविड के समय में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उपस्थित किया था। प्रशासक नेमल्यानंतर प्रशासका मार्फत घेतला जाणारे निर्णय बर त्या निर्णयाला सुद्धा विरोध केला तर त्यात जनतेमध्ये वेगळी प्रतिक्रिया होऊ शकते। आपण त्या ठिकाणी म्हणाल कोरोनाच्या काळामध्ये आवश्यक असलेल्या गोष्टी खरेदी करायच्या आहेत तर खरेदी करायच्याच आहेत, काही आवश्यक गोष्टी पावसाआधी सुरू करायच्या आहेत तर पावसाआधी काही इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं सुरू करायची आहे। मग अशा वेळेला जनप्रतिनिधी निवडून आलेला नाही आणि दादा एक प्रशासक निर्णय घेतोय आणि त्या निधीचा उपयोग का दुरुपयोग त्या ठिकाणी होतो या पद्धतीचं चित्र आहे। नवी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये तर आम्ही पाहतोय नाईक साहेब इथे आहेत, प्रशासक तो मोटे मोटे टेंडर काढायच्याच मागे लागले। अब पूरे देश में कोविड की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है, तब से अब नवी मुंबई में कोविड के मरीजों की संख्या रोजाना 1500 के करीब पहुंच चुकी है, मगर हमारे सांसद राजन विचारे को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है, बल्कि उन्हें तो ये बात सताई जा रही है कि शहर में ब्रिज के काम, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट किस प्रकार हो रहे हैं, या तो वे मनपा के वाटर, गटर और मीटर के उद्घाटन के कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है कि वे इंस्पेक्शन के बहाने ठेकेदारों पर दबाव भी बना रहे हैं। हाल ही में सांसद राजन विचारे द्वारा जो ब्रिज का दौरा किया गया वह पहले से ही मंजूर था, तो फिर कोविड के इस गंभीर स्थिति में इस ब्रिज का दौरा करने की आखिरकार क्या जरूरत आन पड़ी, ये सभी के समझ के परे है। साथ ही
घनसोली एरोली के ब्रिज जो नया ब्रिज बनने जा रहा है उस पर महासभा में चर्चा होना जरूरी था, क्योंकि ये नवी मुंबई के करदाताओं के पैसों से बनने वाला प्रकल्प है, मगर करदाताओं का ये हक छीनकर सांसद एवं शिवसेना पार्टी को पालिका की तिजोरी खाली करने की इतनी जल्दबाजी क्यों है, ये समझना मुश्किल नहीं। अभी इनको पॉट ऑफ गोल्ड दिख गए तो ये लोग इनडायरेक्टली चला रहे हैं, ये लोग बिना पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लिए ये प्रपोजल पे प्रपोजल पास कर रहे हैं। और आपको भी पता है बॉम्बे में क्या चल रहा है, आपको पता है नवी मुंबई में ये वही अगर टेंडेंसी आ रही होगी तो ये तो पूरा का पूरा कट रिपब्लिक बन जाएगा। मतलब हर प्रोजेक्ट के ऊपर कट है और ये जनता चला रही है भाई। मतलब दिस इज मॉरली एथिकली इज सो रॉन्ग। मतलब आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लाइए, प्रस्ताव लाइए, प्रस्ताव पास कीजिए जो प्रोसीजर होता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि ये फ्लाईओवर बना क्यों, ये तो बना के निकल जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि अगर इसका ज्यादा फायदा अन्य शहरों को होना है तो इसके लिए नवी मुंबई के करदाताओं के पैसे पानी में क्यों बहाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि कल्याण, डोंबिवली और अंबरनाथ के लोगों को बहुत फायदा होगा, तो उनके लिए नवी मुंबई महापालिका के जो लोग हैं, जो टैक्स पेयर है, वो पैसा खर्च कर रहा है फॉर मेकिंग द लाइव्स ऑफ पीपल इन कल्याण, अंबरनाथ एंड डोंबिवली बेटर। ये तो बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है। सांसद राजन विचारे को इस बात की भी जानकारी लेनी चाहिए थी कि उनके मतदान संघ में आने वाले सभी महानगर पालिकाओं को कोविड वैक्सीन की सही खुराक दी जा रही है या नहीं, मगर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा नवी मुंबई को जो कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है वो जरूरत के लिहाज से 40% कम है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2021 के दिन ठाणे जिला में 2,46,980 वैक्सीन भेजी गई है, जिसमें से जिलाधिकारी प्रशासन की ओर से ठाणे महानगर पालिका को 6,110 कोवैक्सीन, 30,650 कोविशील्ड, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के लिए 33,230 कोविशील्ड, नवी मुंबई महानगर पालिका के लिए 22,430 कोविशील्ड। नवी मुंबई मनपा को कोवैक्सीन की खुराक ही नहीं दी गई है। बता दे कि नवी मुंबई में एपीएमसी एमआईडीसी क्षेत्र है जहां मरीजों की संख्या अधिक है, बावजूद इसके नवी मुंबई के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जितनी दिलचस्पी राजन विचारे ने ब्रिज के दौरे में जताई, उतनी ही चिंता अगर उन्हें नवी मुंबई के लोगों की जान की होती तो वे जरूर ये प्रयास करते कि नवी मुंबई के लोगों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिल सके। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या सांसद राजन विचारे का नवी मुंबई की ओर सौतेला व्यवहार बदलता है, या फिर उनका ध्यान केवल इस बात पर ही है कि नवी मुंबई के करदाताओं के पैसों को कहां खर्च करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।